ओके क्लास, हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट का चैप्टर। अच्छा, ये चैप्टर जो है वो आगे आप जितने भी फर्दर चैप्टर्स पढ़ोगे ना, ये सारे सिस्टम के चैप्टर, ये सारे थोड़े से बड़े चैप्टर्स हैं और आपको इसमें थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट की हैं वो आपको ईजिली समझ आ जाएंगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वन मिनट, लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, ट्रांसपोर्ट भाई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों जरूरी होता है, क्यों बनाया है अल्लाह ताला ने, इसलिए इस वजह से किसी भी बॉडी के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि क्योंकि अगर किसी हमारी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, एक जगह हमारी बॉडी के पार्ट में एक जगह अगर कोई बहुत यूजफुल कॉम्पोनेंट है, या प्लांट की बॉडी में एक जगह किसी हिस्से में बहुत यूजफुल कॉम्पोनेंट है और उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि पूरी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो उसको तो ट्रांसपोर्ट करवाना होगा ना पूरी बॉडी में, तो वो किस वजह से होता है? वो ड्यू टू दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जब भी अल्लाह ताला ने हम सब की बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस वजह से ज़रूरी होता है। फिर अगर मैं बात करूँ कि प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एटलीस्ट टू कॉम्पोनेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि अब जब इन्वायरमेंट से ऑर्गन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो किसका, रॉ मटेरियल का, और जब सेल से ऑर्गन की तरफ हो। अब ये दो मतलब क्या है, दो अलग अलग बातें हैं, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन्वायरमेंट से अगर ऑर्गन की तरफ जाए, इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, बाहर से, और ऑर्गन का मतलब हुआ वो पार्ट जो किसी प्लांट की, किसी एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं, यानी कि बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स तो इंटरनल हो गए ना, ये हमारी बॉडी के अंदर वाले हिस्से हैं, और इन्वायरमेंट क्या है, बाहर से। यानी कि अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स अपना रॉ मटेरियल यानी कि वाटर और मिनरल्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सॉइल से, यानी कि मिट्टी से, है ना, वो बाहर से, इन्वायरमेंट से अपने ऑब्टेन करते हैं, और फिर अपनी बॉडी पार्ट में क्या करते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल हो गई ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम एनवायरमेंट टू ऑर्गन। ठीक है, फिर ये रॉ मटेरियल जाके इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, यानी कि ये जाके फिर इससे जो है फूड प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स वगैरह। अच्छा, अगर हम अपने सेल की बात करें, फिर इसी तरह सेल से ऑर्गन की तरफ भी जाता है, यानी अगर सेल के अंदर, एक सेल के अंदर हमारे बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो हर सेल के अंदर बहुत सारे फूड पार्टिकल्स बनते हैं, बहुत सारी एनर्जी बनती है, ऐसे यूजफुल कंपोनेंट बनते हैं जो सेल प्रिपेयर करता है, फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी कि ऑर्गन्स की तरफ बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो एक ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि सेल से ऑर्गन की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है और एनवायरमेंट से ऑर्गन की तरफ भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी, ये तो सिंपल एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ये तो ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा एक जनरल बात आपने ये भी याद रखनी है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि ये खुद अपना बॉडी में फूड प्रिपेयर करते हैं और फूड प्रिपेयर करने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर, यानी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि बाहर से एनवायरमेंट से प्लांट क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं और फिर इनको यूजफुल बायो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दोबारा सुन लो, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि एक तरह से आप समझ लो रॉ मटेरियल प्लांट बाहर से ऑब्टेन करते हैं और फिर उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करने के बाद वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, और ये सारा रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एनवायरमेंट से। ठीक है, फिर एनिमल क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, एनिमल्स अपनी बॉडी में फूड प्रिपेयर खुद नहीं कर सकते, तो ये फूड बाहर से, यानी कि ऑब्टेन करते हैं, फूड बाहर से ऑब्टेन करते हैं और उसी को कंज्यूम करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं और फूड अपनी बॉडी में प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हम रॉ मटेरियल नहीं लेते, हम डायरेक्ट फूड ऑब्टेन करते हैं बाहर से, और हमारी बॉडी में जाके वो डिफ्यूज हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, किसमें, ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर किस किस तरह का, कैसा ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले अगर हम रूट की बात करें,
तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये रूट, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज रूट। इस तरह के रूट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है रूट का, ये प्राइमरी रूट होती है, फिर इसके बाद सेकेंडरी रूट होती है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रूट्स के, रूट से और रूट्स निकली हुई है, फिर इससे और रूट्स निकली हुई है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स की रूट्स होती हैं, आपको ये डिफरेंट टाइप्स की रूट नजर आ रही हैं, ठीक है। फंक्शन सबका एक ही होता है, वो क्या करती हैं, रूट्स जितनी भी होती हैं सबका फंक्शन एक ही होता है, वो यहाँ पे जो सॉइल है, सॉइल से फू सॉरी फूड बोल रहा हूँ, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रूट, अच्छा एक बात हो दिया और याद रखना, रूट के ऊपर, रूट्स के ऊपर छोटे छोटे बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ही वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। मिनरल कैसे कहते हैं, मिनरल कहते हैं सॉल्ट्स को और इस तरह से शुगर मॉलिक्यूल को जो आपकी सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, और ये सारे रूट हेयर जो होते हैं वो इनको एब्जॉर्ब करके प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं रूट के स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एपिडर्मिस। आपको जब मैं आपको टिश्यूज पढ़ा रहा था तो एपिडर्मिस के बारे में मैंने आपको बताया था, एपी का मतलब होता है अपर, डर्मिस का मतलब होता है लेयर, ठीक है, और ये एपिडर्मिस का मतलब होता है ये आउटर लेयर, यानी कि आउटर लेयर किसी भी बॉडी की, आउटर लेयर जो आपको बाहर से नजर आ रही होती है दैट इज द एपिडर्मिस, और उस पे जो सेल्स होते हैं वो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है। अब इसी एपिडर्मिस पे रूट हेयर होते हैं, क्या होते हैं एपिडर्मिस पे, क्या होते हैं रूट हेयर मौजूद होते हैं, सही है, क्या मौजूद होते हैं रूट हेयर, एपिडर्मिस पे रूट हेयर होते हैं। एक और लेयर होती है एंडोडर्मिस, यानी कि इनर लेयर, एंडो का मतलब इनर, डर्मिस का मतलब लेयर, एंडोडर्मिस पे हेयर नहीं होते क्योंकि अंदर तो हो नहीं सकते ना, बाहर ही होते हैं। कि आपकी बॉडी पे हेयर आपको कहीं अंदर नजर आते हैं, आपके अंदर किसी बॉडी में नहीं, बाहर नजर आते हैं। तो जो एंडोडर्मिस होते हैं उस पर कोई रूट हेयर नहीं होते, सिर्फ किस पे होते हैं एपिडर्मिस पे होते हैं, कुछ सेल्स पे होते हैं, ठीक है। अच्छा कॉर्टेक्स की बात करें, व्हाट इज कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान एक बहुत सारे सेल्स का क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है, या फिर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो एक पार्ट फॉर्म करते हैं जिसे कहा जाता है कॉर्टेक्स। यानी कि अगर ये एंडोडर्मिस है और ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, ठीक है, बीच वाला जो हिस्सा होगा दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स। अभी आपको आगे डायग्राम में नजर आएगा, ये आपको नजर आ रहा है दूसरे मार्कर से, दूसरे कलर से शो करता हूँ, ये एपिडर्मिस है बाहर वाला हिस्सा, ये एंडोडर्मिस है अंदर वाला हिस्सा, ये आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर का, ये मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द कॉर्टेक्स, दिस इज कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको, दिस इज रूट हेयर। अब ये रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसे प्लांट की बॉडी में, यानी कि ऊपर की तरफ भेजते हैं, क्योंकि रूट्स हमेशा प्लांट की बॉडी में नीचे की तरफ होती हैं, फिर वो रूट हेयर क्या करते हैं, ऊपर की तरफ भेजते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, सही है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था, आसान था, सही है। अब वाटर और आयन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आपको आपको कॉन्सेप्ट है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है जब आपको फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रहा था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं, तो अगर फॉर सपोज ये प्लांट की बॉडी है, यहाँ पे फूड प्रिपेयर किया है प्लांट ने, यहाँ पे बहुत हाई कंसेंट्रेशन है, मान लो ये प्लांट की बॉडी है, हाई कंसेंट्रेशन है एच फॉर हाई एंड एल फॉर लो, एल फॉर लो यानी कि लो कंसेंट्रेशन है, यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है, ठीक है। यानी कि अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। अच्छा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ऐसी ट्रांसपोर्ट को क्या कहा जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही,
अगर मैं एक कॉर्नर पे, रूम के एक कॉर्नर पे परफ्यूम छिड़कूं, तो परफ्यूम की पूरी स्मेल थोड़ी देर बाद पूरे रूम में आने लगेगी। आपने कोई एनर्जी यूज नहीं करी, आपने कोई एनर्जी यूज नहीं करी। तो जब आपने कोई एनर्जी यूज नहीं करी, आपने देख लिया, नई नजर आई ना, आपको नजर भी आ रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये खुद ब खुद हो रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा, अब नेचुरल प्रोसेस को होने में एनर्जी यूज यूज करानी नहीं पड़ती। आपने जब परफ्यूम छिड़का था तो आपको एनर्जी लगानी पड़ी? नहीं, वो खुद ही हो गया, पूरे रूम में पूरी स्मेल फैल गई, कोई एनर्जी लगानी नहीं पड़ी। तो ऐसा सिर्फ जब ही होगा जब कोई चीज हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आए, जहां पे उसकी अमाउंट ज्यादा है वहां से कम अमाउंट कंसेंट्रेशन, यानी कि अमाउंट यानी कंसेंट्रेशन बोल लो, वहां तक अगर मॉलिक्यूल ट्रेवल करते हैं हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, तो ऐसी ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसे डिफ्यूजन भी कहते हैं और ऑस्मोसिस भी कहते हैं। ऑस्मोसिस में फर्क ये है कि बीच में कोई एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन आ जाती है, याद है? इतना डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं इसमें, ठीक है? अच्छा, फिर अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा भी हो सकता है कि लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ अगर ट्रांसपोर्ट करवाई जाए, तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब भाई ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, लो से हाई की तरफ हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ऐसे प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आ रहा था, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें कोई एनर्जी नहीं यूज होती। और यहाँ पे एनर्जी का नाम क्या है, एटीपी। एनर्जी का क्या नाम है, एटीपी। और जब लो से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट होती है, तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें एनर्जी यूज करवानी पड़ती है, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होती है, एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, ये तो बहुत आसान सी बात थी। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं वाटर और वाटर को एब्जॉर्ब, अच्छा ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है, प्लांट अपनी बॉडी में एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है जिसे कहा जाता है सेल सैप, जो कि किसका मिक्सचर होता है, शुगर का, सॉल्ट का और अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स कैसे कहते थे, याद करें आप, अमाइनो एसिड्स कहते थे वो स्ट्रक्चर जो प्रोटीन मिलके बनाते हैं। ठीक है, प्लांट अपनी बॉडी में ये सेल सैप प्रिपेयर करता है और इसे हर सेल में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, क्या करता है, हर सेल में ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, अब इसका प्रोसेस होता कैसे है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। अच्छा, ये दो सेल्स हैं, फॉर सपोज ये दोनों जुड़े हुए हैं, तीन सेल्स की एग्जांपल लो, हर सेल में सेल सैप मौजूद है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन है, इसमें थोड़ी सी लो है, तो मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, थोड़ी सी लो है और इसमें और लो हो गई, इसको मैं दूसरे, अच्छा यहां पे लो लिखता हूं इस तरह से, लो हाई, यहाँ पे लो हाई लिख दिया कि यहाँ पे एवरेज है और यहाँ पे बहुत हाई कंसेंट्रेशन है। यानी कि अगर मैं सेल सैप की बात करूं, तो शुगर, सॉल्ट और अमाइनो एसिड की कंसेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे उससे कम है और यहाँ पे सबसे कम है। अच्छा, अब क्या होगा, वाटर आ रहा है, रूट से निकल के वाटर आ रहा है ऊपर की तरफ, तो ये सेल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे फॉर सपोज आके वाटर पहुंच गया, अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो सेल सैप है इसमें वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और सेल सैप यानी कि
यहाँ पे जो अमाइनो एसिड शुगर और सॉल्ट है इसकी कंसेंट्रेशन क्या है कम है, और ये उसके बराबर वाले सेल में अगर देखें तो ज्यादा है उसमें, यानी कि सेल सैप की कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो आप खुद सोच के बताओ, यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन है, तो वाटर निकल के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही होगा, फेस में वाटर आ गया। अब यहाँ पे सेल सैप की कंसेंट्रेशन कैसी हो गई, लो हो गई, और वाटर की कंसेंट्रेशन कैसी हो गई, ज्यादा हो गई, क्योंकि वाटर यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कंसेंट्रेशन हाई है और यहाँ पे लो है, तो वाटर फिर यहाँ से निकल कर कहाँ पर आ जाएगा, इसमें। इसी तरह आगे कोई सेल होगा, वहां पे हाई होगी फिर यहाँ पे लो हो जाएगी, तो यहां से निकल के फिर उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट होता हुआ जाता है हर बॉडी पार्ट में। सही है, ये पूरा मैकेनिज्म होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये रूट्स हैं, मान लो ये रूट्स हैं, जैसी बन गई। अब ये रूट्स जो हैं वो यहां से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और ऊपर प्लांट के बॉडी पार्ट्स में भेजती हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट्स होती हैं, अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूवमेंट, इसे कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। क्या कहा जाता है, एसेंट ऑफ सैप, द अपवर्ड, दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विद मिनरल्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, ये एसेंट ऑफ सैप कहलाती है। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप, अपवर्ड मूवमेंट को एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। फिर मिनरल ट्रांसपोर्ट मैंने आपको ये बता दिया, बाय डिफ्यूजन के जरिए भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट रिक्वायर ऑल्सो मिनरल, इनके नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सॉल्ट्स होते हैं जो कि सॉइल में मौजूद होते हैं। प्लांट को इनकी भी जरूरत पड़ती है फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो ये भी किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी ट्रांसफर हो सकते हैं। यहाँ पे ये वर्ड आपने पहले भी सुने हैं। अब देखते हैं व्हाट इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं कि लीफ के सरफेस के ऊपर जो होते हैं, अगर ये लीफ मैंने आपको बना के दिया है, दिस इज लीफ, तो लीफ के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज द स्टोमेटा, ये लीफ का स्ट्रक्चर, ये नजर आ रहा है, दिस इज पोर्स। तो ये जो पोर्स हैं ये आपको, और ये यहाँ पे ब्लू कलर के एरोज नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स निकल के इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो, वाटर लीव से निकल के इन्वायरमेंट में जा रहा है। जिस तरह से हमें स्वेटिंग होती है, हमें पसीना आता है ना, इस तरह से एक तरह से समझ लो प्लांट्स भी अपनी बॉडी में वाटर को एक्सक्रीट कर रहे हैं बाहर की तरफ। ठीक है, इस वजह ये होती है क्योंकि प्लांट की बॉडी में जब बहुत एक्सेस वाटर आ जाता है तो प्लांट्स क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस ऑफ इंटरनल वाटर ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। यानी कि जो प्लांट की बॉडी के अंदर जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में इवेपरेट हो जाता है, वेपर्स की फॉर्म में, यानी कि गैस फॉर्म में। वाटर वेपर क्या होती है, गैस फॉर्म होती है ना, आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। तो जो वाटर वेपर की फॉर्म होती है प्लांट्स उसको अपने एरियल पार्ट से निकाल देते हैं। एरियल पार्ट का मतलब जो होता है अपर पार्ट में, यानी कि सिर्फ ट्रांसपायरेशन जो प्लांट की बॉडी ऊपर वाले हिस्से जो होते हैं ना, जैसे स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, इसमें से ट्रांसपायरेशन होती है। रूट्स में से कभी भी ट्रांसपायरेशन नहीं होती, वो एरियल पार्ट्स में नहीं आते, वो लोअर पार्ट्स होते हैं। एरियल पार्ट्स में से हमेशा ट्रांसपायरेशन होती है, कभी भी लोअर पार्ट में से नहीं होती। तो ट्रांसपायरेशन क्या होती है, ट्रांसपायरेशन में वाटर इवेपरेट होता है एरियल पार्ट में से अपर पार्ट में से, मेनली मेनली थ्रू स्टोमेटा। कैसे, ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है, जो प्लांट को करवाना पड़ता है जब बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर जमा हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बहुत तेज धूप होती है तब भी ये प्रोसेस चलता रहता है, डे के टाइम में, दिन के टाइम में प्रोसेस होता रहता है। ठीक है,
इवेपरेट होता है लीव्स के जरिए, स्टेम के जरिए भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 80% ये काम कौन करता है? लीव्स करते हैं। तो लीव्स क्या करते हैं, इन पोर्स के जरिए वाटर को बाहर निकाल देते हैं, और कहाँ भेज देते हैं? वापस एनवायरमेंट में। कहाँ भेज देते हैं? वापस एनवायरमेंट में। और किस फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? ये वेपर्स की फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। और यही वेपर्स जाके क्या फॉर्म कर देते हैं? क्लाउड्स। बाहर क्या बना देते हैं? ऊपर आसमानों में जाके क्या बना देते हैं? क्लाउड्स। क्लाउड्स एक वेपर्स की कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है? वाटर वेपर्स की कंडेंस्ड फॉर्म है, क्लाउड्स बना देते हैं। ये वेपर्स क्या बना देते हैं? आसमानों में जाके क्लाउड्स बना देते हैं, ठीक है? तो प्लांट अपनी बॉडी में से जब वाटर को वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकालता है थ्रू लीव्स, थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? पोर्स होते हैं प्लांट की बॉडी के अपर एरिया में, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं, पोर्स होते हैं, जहां से वाटर वेपर्स बाहर आ जाते हैं और वो एनवायरनमेंट के अंदर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन, ठीक है? अब रिलेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन विद लीफ सरफेस। भाई ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट के सिर्फ लोअर, सॉरी, लीफ के सिर्फ लोअर वाली एपिडर्मिस पे, यानी कि लीफ के नीचे वाली जो लेयर होती है, लीफ के ऊपर 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 जो आपको नजर आ रहा होता है, और नीचे एक लोअर एपिडर्मिस भी होती है। अगर लोअर एपिडर्मिस पे होंगे तो ऐसे लीव्स को बायफेशियल लीव्स कहा जाता है, जो कि मैंगो प्लांट के लीव्स की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और अगर दोनों सरफेस पे होते हैं, यानी कि अपर भी और लोअर भी, तो मोनोफेशियल लीव्स होते हैं, लीव्स ऑफ मेज प्लांट। मेज एक प्लांट की एक किस्म है, एक नाम है प्लांट का, ठीक है? और अगर अपर एपिडर्मिस पे होंगे, जैसे वाटर लिली, ये एक फूल है, लिली आपने सुना है, वाटर लिली। तो ऐसा देखो, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सिर्फ लोअर पार्ट पे होंगे, लोअर एपिडर्मिस पे होंगे स्टोमेटा, या दोनों में भी हो सकते हैं, अपर लोअर दोनों में, या फिर सिर्फ अपर में होंगे। डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी दी हुई है, ये तो एक फैक्ट है कि ऐसा होता है, ऐसा है। और ये हर प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे मैंगो प्लांट हो गया, मेस प्लांट हो गया, वाटर लिली हो गया, ठीक है? अच्छा, तो ये एक प्रोसीजर है, ये वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि बताइए, एक मिनट जी, अच्छा, अगर अगर वो आपसे पूछ लेता है कि बताइए, एक मिनट, हाँ, कि ट्रांसपायरेशन को एक एक्सपेरिमेंट के जरिए बताइए, तो आप क्या करेंगे? उसको ये वाला एक्सपेरिमेंट लिख के बताएंगे, ठीक है? अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट है क्या? इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या लिया? दो तीन लीव्स लिए, ठीक है? आपने एक लीफ पे ऊपर वाले हिस्से पे पेट्रोलियम जेली लगाई, यानी कि जो वैक्सीन वगैरह होती है या वैक्स वगैरह होती है, वो लगा ली, वैक्स लगा ली। और एक लीफ पे क्या किया आपने? सिर्फ नीचे वाले हिस्से पे लगा ली, और दूसरे यानी कि जो थर्ड लीफ था, उस पे आपने दोनों हिस्सों पे वैक्सीन लगा ली, यानी कि जो पेट्रोलियम जेली होती है वो लगा लिया, ठीक है? अब आपने उसको सनलाइट में रख दिया, थोड़ा वाटर तो अभी मौजूद होगा ना उस लीफ के अंदर, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस तो नेचुरल है, ये होता है, ठीक है? तो अब ये वाटर वेपर्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे, कहाँ ट्रैप हो जाएंगे? जो जेली आपने लगाई है, जो पेट्रोलियम जेली लगाई है, वहां पे जाके ट्रैप हो जाएंगे। क्या वेट बढ़ जाएगा, है ना? जो
लीफ का वेट होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर आप उसको वेट करोगे, आप देखोगे जिसका सबसे ज्यादा वेट होगा यानी कि उसमें वाटर वेपर ज्यादा जमा हो गए, जेली के अंदर वाटर वेपर ज्यादा जमा हो गए, तो आप ये ऑब्जर्वेशन आपकी होगी कि इसमें ट्रांसपायरेशन ज्यादा हुई, और जिसमें कम जिसका कम वेट होगा यानी कि उसमें ट्रांसपायरेशन कम हुई, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे। ट्रांसपायरेशन का एक बताने का तरीका है कि ट्रांसपायरेशन होती है प्लांट्स के अंदर, और ये वेट क्यों बढ़ रहा है, लीफ के अंदर वेट क्यों बढ़ रहा है। आप कोई एडिशनल मटेरियल तो नहीं लगा रहे ना, जो पेट्रोलियम जेली लगाई आपने उस वक्त वेट करा था, उस वक्त जितना आया, अब आपने सनलाइट में रखा, सनलाइट से कुछ घंटे हटाने के बाद आपने वापस वेट करा, तो वेट वेट का मतलब आपने वजन करा उसका, वजन करने के बाद जब आपने उसका वजन करा तो आपने देखा कि उसका वेट पहले से थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। सही है, तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन लगाई कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो अगर ये पूछा जाएगा तो मैं आपको मार्क करवा दूंगा, वैसे तो मैं मार्क करूंगा, आपने लिख लेना है, लेकिन ये जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि ट्रांसपायरेशन होती है प्लांट्स में, और ये आप एक एग्जाम्पल के जरिए बता सकते हैं। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा मैंने आपको बताया कि ये जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स के ऊपर पोर्स होते हैं, यानी कि ये पोर्स होते हैं, और ये पोर का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बताया है, ऐसे होते हैं। ठीक है, बाहर वाले स्ट्रक्चर को देखो, लिखा हुआ है एपिडर्मल सेल, फिर यानी कि स्टोमेटा के बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है वो एपिडर्मल होता है। अच्छा, स्टोमेटा ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। ओपन क्लोज कैसे होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्टोमेटा के बाहर होते हैं ये जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये देखें ये वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स की वजह से, जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजे को आप खोलते बंद करते हैं, तो इस तरह से समझ लो गार्ड सेल्स जो है ना वो स्टोमेटा का दरवाजा है, स्टोमेटा का गेट है, ये खुलता है और बंद होता है। और ये कैसे खुलता है, जब गार्ड सेल के अंदर वाटर भर जाता है तो ये खुल जाते हैं, और जब वाटर से ये खाली हो जाते हैं तो ये वापस बंद हो जाते हैं। अब आपके ख्याल में कि कब होता है प्रोसेस, स्टोमेटा कब खुलते होंगे, डे टाइम यानी कि जब दिन होता है तो स्टोमेटा क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं, सनलाइट की वजह से स्टोमेटा क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं, क्योंकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कब होता है, डे टाइम में, और जब रात होती है नाइट टाइम में, तो नाइट टाइम में स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्योंकि सनलाइट तो होती नहीं है, और सनलाइट जब नहीं होगी तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, यानी कि ट्रांसपायरेशन की वजह से आप देखते हो कि स्टोमेटा से वाटर वेपर्स बाहर आते हैं। और आपने ये भी देखा है कि ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये जो आपको ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, दिस इज द गार्ड सेल, ये गार्ड सेल के अंदर वाटर भर जाता है, और ये वाटर की वजह से जब ये भर जाता है तो ये खुल जाते हैं, गार्ड सेल्स स्ट्रेच हो जाते हैं, खींच जाते हैं, तो इस तरह से स्टोमेटा खुल जाते हैं। लेकिन जब गार्ड सेल के अंदर से वाटर हट जाएगा रात के टाइम पे, तो वापस बंद हो जाते हैं। अब इसका रीजन आपको जानने की जरूरत नहीं है कि वाटर कैसे भरता है, ये प्रोसेस आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अभी आप आपके कोर्स में इतनी डिटेल नहीं दी, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब ये इसके अंदर वाटर भरता है तो ये गार्ड सेल्स खोल देते हैं स्टोमेटा को, और ये जब वाटर खाली रहते हैं तो वापस बंद हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे स्टोमेटा खुलते हैं और फिर ट्रांसपायरेशन होती है डे टाइम में और नाइट टाइम में नहीं होती। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रांसपायरेशन की वजह से एसेंट ऑफ सैप होता है। ठीक है, एरियल पार्ट की बात करूं, ये ऊपर वाले हिस्से यानी कि अगर यहाँ ये नीचे वाला हिस्सा यानी कि रूट्स हैं, जितनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, जितनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी उतना ज्यादा एसेंट ऑफ सैप होगा ना, यानी कि वाटर उतना ज्यादा ऊपर, रूट्स उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगी वाटर, क्योंकि प्लांट की बॉडी में वाटर खाली होता जाएगा और नीचे से वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा,
एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस ट्रांसपायरेशन की वजह से भी होता है, ठीक है। फिर ट्रांसपायरेशन इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जितनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी उतना ज्यादा रूट्स जो है वो वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। ट्रांसपायरेशन की वजह से बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर से आप छुटकारा पा लेते हो, या फिर आप तो खैर नहीं, प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्लांट्स बहुत सारे एक्सेस, अगर बहुत ज्यादा वाटर है प्लांट की बॉडी में तो वो इवेपरेट हो जाता है ट्रांसपायरेशन की वजह से। ट्रांसपायरेशन जिस तरह हमें जब गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी में पसीना आता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसी तरह प्लांट जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो क्योंकि प्लांट्स तो बाहर ही होते हैं, हमारे घर के अंदर तो नहीं होते, तो प्लांट्स का एक्सपोजर हमेशा सनलाइट की तरफ होता है, और सनलाइट जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो प्लांट अपने टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं, ट्रांसपायरेशन के जरिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ट्रांसपायरेशन की वजह से ही ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा तो उस हिसाब से स्टोमेटा खुलेंगे और बंद होंगे, यानी कि जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा तो स्टोमेटा खुल जाएंगे, और जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ट्रांसपायरेशन की हमेशा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में, बहुत एक्सेस अमाउंट, इतना एक्सेस के प्लांट की बॉडी में वाटर की कमी हो जाए तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है और प्लांट्स क्या हो जाते हैं, सूखने लग जाते हैं। तो किसी भी चीज की एक्सेस बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स, एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स, आप ये अपनी बुक में बिल्कुल लिख सकते हो, एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स। ये आपके जहन में बस आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन, ठीक है, और प्लांट की डेथ भी हो सकती है। अब फैक्टर्स इफेक्टिव अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, किन किन वजह की वजह से ट्रांसपायरेशन होती है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा बाहर, तो ट्रांसपायरेशन का रेट बढ़ेगा ना, यानी कि ट्रांसपायरेशन जल्दी होगी। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दो बाहर तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। जब आप चूल्हे पे पानी को चढ़ाते हो तो पानी जल्दी एवेपरेट होता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हो, पानी जल्दी एवेपरेट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ट्रांसपायरेशन जल्दी होगी जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की तरफ आते हैं, बल्कि पहले ह्यूमिडिटी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये प्लांट है बाहर, अगर एनवायरनमेंट में, फॉर सपोज ये मैं ट्री बना रहा हूँ, एक जैसा भी बन रहा है, मैं माउस से बना रहा हूँ इस वजह से अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है। ये बाहर एनवायरनमेंट है और एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स पहले से मौजूद हैं। जब बहुत मॉइस्चराइजिंग वेदर होता है, आपने देखा होता है, एक ड्राई वेदर होता है और एक ह्यूमिड वेदर होता है, जब आपको ड्राइनेस फील नहीं होती, जब ह्यूमिड वेदर कहते हैं कि जब बहुत सारे वाटर वेपर्स आपके एनवायरनमेंट में पहले से मौजूद हो, ड्राई वेदर ना हो, तो आपने देखा यहाँ पे पहले से बहुत सारे वाटर वेपर मौजूद हैं, यहाँ से अब इस प्लांट से जो वाटर वेपर बाहर निकलेंगे, अब यहाँ पे वाटर वेपर बाहर पहले से मौजूद हैं, तो अब जो न्यू वाटर वेपर प्लांट के जरिए बाहर निकलेंगे, क्या उनको भी तो जगह चाहिए होगी ना, बाहर निकलेंगे तो स्पेस ही नहीं होगा, वाटर वेपर्स ही भरे हुए होंगे हर जगह, तो बाहर कैसे निकलेंगे। तो ह्यूमिडिटी की वजह से, अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो ट्रांसपायरेशन कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अगर बहुत ड्राई वेदर होगा, वाटर वेपर बाहर कम होंगे, यानी कि अगर मैं वाटर वेपर को कम करके दिखाऊं, यहाँ पे वाटर वेपर कम हो गए तो अब जगह ज्यादा हो गई, जगह ज्यादा हो गई तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, और अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। इसी तरह विंड, विंड का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर विंड, यहाँ पे बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, विंड अगर आए और इन सारे वाटर को लेके उड़ जाए या चली जाए, तो यहाँ पे अब जगह कैसी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो जब ज्यादा विंड होगी तो वाटर वेपर भी हमेशा बाहर स्टेबल नहीं रहेंगे, यानी कि वाटर वेपर क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे,
विंड की वजह से, यानी कि जब ज्यादा वाटर वेपर्स होंगे, जब ज्यादा वाटर वेपर्स होंगे तो आपको पता है ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। लेकिन अगर विंड जो है वो इन वाटर वेपर्स को उड़ा के ले जाए तो यहाँ पे अब वाटर वेपर्स कम हो गए तो फिर ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। यानी कि बहुत विंडी वेदर में, बहुत विंड वेदर में जब विंड की वेलोसिटी तेज होगी, विंड की स्पीड तेज होगी तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा है, यानी कि एयर का प्लांट की तरफ प्रेशर ज्यादा है, अगर प्लांट की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको बाहर निकलने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बाहर निकलने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। वाटर वाटर वेपर्स को बाहर निकलने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इस तरह से वाटर वेपर बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि बाहर एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो एयर का प्रेशर जब बहुत ज्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन कम होगी, और अगर एयर का प्रेशर कम होगा तो ट्रांसपायरेशन कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसपायरेशन होती है। आप इनको दोबारा सुन लीजिएगा अगर आपको क्लियर नहीं हुए हैं। आप मेरी स्पीड को, यानी कि मेरे YouTube पे वैसे भी ऑप्शन होता है, आप बिल्कुल उसे आराम से सुन सकते हैं। स्पीड को स्लो कर दिया करें। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन फूड इन स्टेम। अब वाटर और फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? अगर मैं ये प्लांट्स के अंदर फूड और वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये देखते हैं। देखो, दो किस्म के स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, आपने पढ़ा है, कंडक्टिंग सेल्स आपने टिश्यूज में पढ़ लिया था। वाटर, मैं इसमें भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने पढ़ चुके हैं प्लांट टिश्यू में। वाट एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है फूड को प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट की बॉडी में, और जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट की बॉडी में। तो जाइलम का काम होता है प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और मिनरल को, और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी प्लांट की बॉडी में। आपने साइड ट्यूब्स के बारे में भी पढ़ा है, ऐसे एरियाज जैसे छन्नी होती है, पोर्स होते हैं, इसी तरह से फूड फ्लोएम फ्लोएम में ऐसे ऐसे साइड ट्यूब्स होती हैं ताकि फूड फिल्टर आउट होता रहे। पढ़ चुके हैं आप पहले पुराने चैप्टर्स में, आप पुरानी वीडियो जरूर जाके देखें, ये आपका एक तरह से बस रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो फ्लोएम का काम यही होता है और जाइलम का काम ये होता है। इसके अलावा जाइलम मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है और वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, फ्लोएम आपने यहाँ पे फ्लोएम में पढ़ा हुआ है, फ्लोएम मैन्युफैक्चर्ड यानी कि प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, साइव ट्यूब्स यानी कि साइव ट्यूब्स के जरिए, यानी कि ये आप देख रहे हैं, ये दिस इज द साइव ट्यूब्स, ये पूरी साइव ट्यूब्स है ये दोनों, इन्हें कंपेनियन सेल्स भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये साइड ट्यूब एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, क्योंकि आप पुराने चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं तो इस वजह से मैं इसको इतना डिटेल में लेके नहीं जा रहा। आप जो आपका सेल का चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसमें फ्लोएम और जाइलम के बारे में मैंने आपको डिटेल कॉन्सेप्ट दे दिया था, तो आप वहां से आप जाके उस वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। मैन्युफैक्चर्ड फूड, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, मैन्युफैक्चर्ड फूड ऑफ प्लांट को क्या कहा जाता है, सुक्रोज। क्या कहा जाता है, सुक्रोज। और ये सुक्रोज जो है वो थ्रू साइव ट्यूब्स एंड साइव प्लेट्स फ्लोएम के पार्ट्स हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम के पार्ट्स के थ्रू ये साइड ट्यूब्स के जरिए ये मैन्युफैक्चर्ड और प्रिपेयर्ड फूड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। और जाइलम, जाइलम में
इस तरह की वेसल्स होती हैं जिन्हें ट्रैकीड्स भी कहते हैं, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स आपने पढ़ा हुआ है, और ये इन वेसल्स एंड ट्रैकीड्स के जरिए ये वाटर और मिनरल पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया जाइलम और फ्लोएम। फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन प्लांट्स। अच्छा ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। यहां पे मैंने आपको पढ़ाया था, अभी एक एग्जांपल दी थी, ये वाली। तो आपने ये इस तरह से पढ़ा हुआ है, किस तरह से यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, इसी तरीके से सेम यही प्रोसेस है, फूड भी इसी तरीके से हायर प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। इन हायर प्लांट्स ओनली द ग्रीन पार्ट्स स्पेशली लीव्स कैन मैन्युफैक्चर फूड एंड इट मस्ट बी सप्लाइड टू नॉन ग्रीन पार्ट्स लाइक रूट स्टेम एंड फ्लावर्स फॉर द कंजम्पशन इन स्टोरेज। यानी कि प्लांट्स अपना फूड कहाँ प्रिपेयर करते हैं, कहाँ प्रिपेयर होता है फूड, लीव्स के अंदर। हमेशा लीव्स के अंदर प्रिपरेशन होती है, ग्रीन पार्ट्स के अंदर होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही उसी के अंदर होता है। ठीक है, अब इस प्रिपेयर्ड फूड को नॉन ग्रीन पार्ट्स में भेजना होता है ताकि उसको यूज किया जा सकते हैं, यूज किया जा सके और उसको स्टोर किया जा सके। अब ये आपने पढ़ा हुआ है कैसे ये ऑर्गेनिक फूड जो है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रेवल करता है। ठीक है, आपने सब पढ़ा हुआ है, साइड ट्यूब्स के जरिए ये ट्रेवल करता है, जिसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन, कि इस फूड के पार्ट्स का मूव करना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फूड के पार्ट्स, सॉरी फूड पार्टिकल्स का थ्रू साइड ट्यूब्स, थ्रू फ्लोएम, ये जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है, दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ये बात आपको समझ आई? अच्छा, फिर एक साइंटिस्ट था मंच, जिसने एक हाइपोथेसिस इसने एक एक हाइपोथेसिस दिया, जिसे कहा जाता है मंच हाइपोथेसिस। इसने कहा सॉल्यूट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू साइड ट्यूब्स विच फ्लो इन बल्क फ्रॉम सप्लाई एंड एंड सोर्स द कंजम्पशन एंड सिंक रूट्स अंडर टर्जर प्रेशर ग्रेडियंट। एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द सप्लाई एंड लीव्स हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट विच कॉजेस ट्रेमेंडस इंक्रीज इन सक्शन। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, इसने बताया क्या, ये लीव्स हैं, लीव्स क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं फूड को, ऐसे ही हो रहा है, लीव्स क्या कर रहे हैं, फूड को सप्लाई कर रहे हैं, और किसी एक पार्ट का मैं नाम ले लेता हूं, फॉर सपोज रूट्स का, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, लीव्स सप्लाई कर रहे हैं और रूट्स क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि इसको यूज कर रहे हैं। तो लीव्स क्या हो गए, सप्लाई एंड क्या हो गए, लीव्स हो गए, यानी कि ये सप्लाई एंड कहलाता है और ये रूट क्या कहलाता है, कंजम्पशन एंड कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजम्पशन एंड कहलाता है। क्या कहलाता है, दोबारा सुन लो, लीव्स सप्लाई एंड कहलाता है, रूट्स क्या कहलाता है, कंजम्पशन एंड कहलाता है। लीव सप्लाई एंड कहलाता है, रूट्स कंजम्पशन एंड कहलाता है, क्योंकि रूट्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। इसी तरह स्टेम भी कंजम्पशन एंड कहलाएगा, क्योंकि वो भी यूज करेगा। और भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट्स जो है वो कंजम्पशन एंड कहलाते हैं। लीव्स क्या करते हैं, फूड को सप्लाई करते हैं, तो वो सप्लाई एंड कहलाएगा, क्योंकि फूड को वही सप्लाई कर रहे हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा फूड प्रिपेयर करते हैं तो बल्क क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो फूड प्रिपेयर करते हैं, फिर से सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे फूड की कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पे लो है, तो फिर क्या वही प्रोसेस होगा? अब
डिफ्यूजन का, लेकिन यहाँ पे इस प्रोसेस को, इस ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन नाम दिया हुआ है। ट्रांसलोकेशन होता ये भी डिफ्यूजन ही है, ठीक है। तो ये आसान सा ये प्रोसेस था, इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। ये मंच हाइपोथेसिस ने, मंच हाइपोथेसिस का ये कॉन्सेप्ट है, मंच ने ये हाइपोथेसिस दिया था कि इस तरह से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंसेंट्रेशन की का डिफरेंस है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है यहाँ पे, कंसेंट्रेशन यहाँ पे अलग है, लीव्स में फूड की कंसेंट्रेशन अलग है, रूट्स में यानी कि दूसरे एरिया में फूड की कंसेंट्रेशन अलग है। तो कंसेंट्रेशन यानी कि अमाउंट का दोनों हिस्सों में डिफरेंस आ गया है। और फिर अब क्या हो रहा है, यहाँ पे फूड क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, या फिर सप्लाई एंड से कंजम्पशन एंड तक। ओके, यहाँ तक आपने पढ़ लिया ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अब इस वीडियो को मैं यहाँ तक एंड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये प्लांट का पोर्शन था। मैं आपको दूसरी वीडियो में एनिमल का पोर्शन पढ़ाऊंगा।